अमिताभ बच्चन ने अपने 5 दशक के लंबे कैरियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों को अपना दीवाना बना डाला। इनमें कुछ ऐसी फिल्में रही जो अमिताभ के कैरियर में मील के पत्थर तो साबित हुए ही साथ ही साथ इनके नाम के साथ भी जुड़ गए और लोग इन्हें उसी नाम से पुकारने लगे। साल 1988 में इनकी एक ऐसी फिल्म आई शहंशाह। फिल्म विजन के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था टीनू आनंद, बिट्टू आनंद और नरेश मल्होत्रा ने तथा इसका निर्देशन किया था टीनू आनंद ने, जिन्होंने साल 1979 की दुनिया मेरी जेब में, 1981 की कालिया, 1984 की ये इश्क नहीं आशा, 1989 की मैं आजाद हूँ, 1991 की जीना तेरी गली में, 1998 की मेजर साहब जैसी अन्य फिल्मों का निर्देशन भी किया है। फिल्म शहंशाह की कहानी लिखी थी जया बच्चन ने, स्क्रीन प्ले लिखा था संतोष सरोज ने तथा डायलॉग्स लिखे थे इंद्रराज आनंद ने। 2 घंटे 55 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज किया गया था 12 फरवरी 1988 को। फिल्म के प्रमुख तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शशाद्री, प्राण, कादर खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, अरुणा ईरानी, रोहिणी हट्टंगड़ी, सुप्रिया पाठक, जगदीप, प्रवीण कुमार, सुधीर आदि। इस फिल्म में संगीत था अमर उत्पल का तथा इसके गीतों के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के इन गीतों में आवाज दिया था किशोर कुमार, मोहम्मद अजीज, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। गानों के सभी वर्जन मिलाकर फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे अंधेरी रातों में, जाने दो होगा थानेदार थू, गर्दिश में जब जाम और ओ बहना गीत के 2 वर्जन। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 30 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म शहंशाह साल 1988 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 2रे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे। इस तरह से इसे एक सेमी हिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल की टॉप 3 कमाओ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म तेजाब, जिसने 8 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर कहलाई। 2रे स्थान पर रही फिल्म शहंशाह, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, तथा 3रे स्थान पर रही थी फिल्म पाप की दुनिया। इसने कुल 4 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया और हिट रही। फैक्ट नंबर 2, अपनी पिछली 2 फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद टीनू आनंद एक अदद हिट की तलाश में थे। ऐसे में उन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्म कूली के सेट पर शहंशाह की कहानी सुनाई। कहानी अमिताभ बच्चन को जच गई और उन्होंने टीनू को हाँ भी कर दिया। इसके बाद टीनू ने हीरोइन के लिए श्रीदेवी से संपर्क किया, पर उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म इनकलाब बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में हीरोइन के लिए डिंपल कपाड़िया को लिया गया और बेंगलोर में फिल्म के शूटिंग के लिए 15 दिनों का एक शेड्यूल भी तय हुआ। शूटिंग के ठीक 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद को फोन करके बताया कि वो इस फिल्म को करने में असमर्थ है क्योंकि मद्रास में एक मेडिकल चेकअप के दौरान मुझे मैस्थेनिस ग्रेविस नामक बीमारी से ग्रसित पाया गया है। इस बीमारी के प्रभाव से मैं इतना कमजोर हो चुका हूं कि मेरी आंखें, मांसपेशियां और हड्डियां मेरा साथ नहीं दे रही हैं, अतः मैं फिल्म करने में असमर्थ हूं। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद को फिल्म के लिए जितेंद्र को लेने की सलाह दी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के शूटिंग शेड्यूल को कैंसिल करके जब टीनू आनंद जितेंद्र के पास यह ऑफर लेके गए तो उन्होंने फिल्म को यह कहकर मना कर दिया कि जो रोल अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखा गया हो उस पर मैं फिट कैसे हो सकता हूँ। यद्यपि जितेंद्र ने फिल्म को तो मना कर दिया, पर फिल्म को बंद होता देखकर इसमें अमिताभ के लिए तैयार किया गया स्पेशल कॉस्ट्यूम को अपनी फिल्म आग और शोला के लिए ले उड़े। फिल्म आग और शोला में जितेंद्र का यह विशेष कॉस्ट्यूम जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसे शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन पहनने वाले थे। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि दोनों में से किस फिल्म का कॉस्ट्यूम ज्यादा आकर्षक लगता है। फैक्ट नंबर 4, जितेंद्र के फिल्म मना करने पर टीनू आनंद के सामने एक विकट परिस्थिति आकर खड़ी हो गई। फिल्म के शूटिंग के लिए टीनू कई डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे भी ले चुके थे, जो कि फिल्म के शूटिंग की मांग कर रहे थे या फिर अपना पैसा वापस चाह रहे थे। ऐसे में टीनू उस दौर के उभरते हुए सितारे जैकी श्रॉफ के पास फिल्म का ऑफर लेकर पहुंचे। जैकी को फिल्म का आइडिया तो बहुत पसंद आया, पर उन्होंने सोचने के लिए टीनू से कुछ वक्त मांगा और तकरीबन 4 महीने बाद जैकी ने भी फिल्म को मना कर दिया।
फैक्ट नंबर 5, थक हार कर टीनू ने फिल्म को बंद करने का विचार बना लिया, पर बात डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे वापस करने की भी आ रही थी, अतः वो फिल्म के लिए खर्च हुए राशि को वापस पाने की जुगत में भिड़ गए। इसी क्रम में उन्होंने डिंपल को सारी बात बताते हुए फिल्म के लिए दी गई साइनिंग अमाउंट वापस मांगा। डिंपल ने साइनिंग अमाउंट वापस करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को आप बंद कर रहे हैं, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अंत में टीनू ने एक पासा फेंका और डिंपल से कहा कि आप फिलहाल पैसे वापस कर दो, आपको लेकर मैं दो अन्य फिल्में अनाउंस करने वाला हूँ। डिंपल इस झांसे में आ गई और उन्होंने पैसे वापस कर दिए। अगले ही दिन उन्होंने डिंपल को लेकर महाकाल और आलिशान नामक दो फिल्मों की घोषणा तो कर दी, पर ये फिल्म सिर्फ घोषणा बनकर ही रह गई। फैक्ट नंबर 6, अभी ये सब उठापटक चल ही रही थी कि एक दिन अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन ने टीनू को कॉल किया और बताया कि अमिताभ आपके फिल्म में एक मेहमान भूमिका करने को तैयार हैं, जिसके शूटिंग के लिए तकरीबन 20 दिन वो दे सकते हैं। यह साल 1985 के शुरुआती समय की बात है। अब टीनू को अपनी डूबती नैया पार होती दिख रही थी, अतः तुरंत ही उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव करते हुए एक और हीरो के लिए जगह बनाई और उसके लिए ऋषि कपूर को अप्रोच किया, लेकिन ऋषि ने फिल्म को करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि टीनू के साथ दो पुरानी फिल्में उनकी बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थीं, जिसके कारण वो एक फ्लॉप डायरेक्टर के साथ फिल्म करने से बचना चाहते थे। इस घटना के बाद टीनू तो बुरी तरह से टूट गए। फैक्ट नंबर 7, एक दिन अमिताभ बच्चन ने टीनू को अपने घर खाने पर बुलाया और इसी दौरान उन्होंने टीनू को यह खुशखबरी दी कि वो अपने बीमारी से लगभग उबर आए हैं और वो फिल्म को पुराने स्क्रिप्ट के साथ ही करना चाहते हैं। यह सुनकर टीनू को खुशी का ठिकाना ना रहा। आनन फानन में मीनाक्षी सेशात्री को हीरोइन के तौर पर साइन कर लिया गया और आखिरकार अगस्त 1985 में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 8, फिल्म के मुख्य अभिनेत्री के लिए मीनाक्षी को साइन करने के दौरान उस दौर की एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री पूनम ढिल्लन ने भी यह रोल पाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी थी, पर टीनू ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम्हारा चेहरा किसी बच्चे की तरह मासूम है, जो कि अमिताभ बच्चन जैसे उम्र दराज नायक के साथ फिट नहीं हो पाएगा। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की विडंबना देखिए कि एक दौर में फिल्म त्रिशूल के लिए यश चोपड़ा ने पूनम को काफी मिन्नतों के बाद साइन किया था और आज पूनम के मिन्नतों के बावजूद उन्हें फिल्म नहीं मिल रही थी। फैक्ट नंबर 9, पूनम ढिल्लन के अलावा इस रोल के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेत्री माधवी ने भी प्रयास किया था, जिसके लिए अमिताभ और टीनू आनंद भी सहमत हो गए थे, क्योंकि माधवी की लंबाई और चेहरे पर रहने वाली गंभीरता उन्हें इस रोल के लिए सटीक बना रही थी। दूसरी बात यह भी थी कि इससे पहले साल 1983 की फिल्म अंधा कानून में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई थी। हालांकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मीनाक्षी फिल्म के लिए अंतिम विकल्प साबित हुई। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के एक दृश्य के शूटिंग के दौरान अमिताभ और टीनू आनंद के बीच काफी मतभेद हो गया था। दरअसल उस दृश्य को अमिताभ बच्चन ब्लेजर पहनकर शूट करना चाहते थे, जबकि टीनू आनंद का कहना था कि यह एक महत्वपूर्ण पुलिसिया दृश्य है, इसके लिए आपको पुलिस की वर्दी में शूट करना ज्यादा बेहतर होगा। इस पूरे बहस में आखिरकार इंदर राज आनंद ने मध्यस्थता करते हुए अमिताभ को दृश्य की गंभीरता समझाई, तब कहीं जाकर वो वर्दी पहनने के लिए तैयार हुए थे। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म के कई छोटे मोटे किरदारों के लिए स्वयं टीनू आनंद ने ही डब किया था, जैसे कि सीबीआई ऑफिसर, मुख्तार सिंह का गुंडा, वेटर, ट्रक ड्राइवर आदि। इसके अलावा फिल्म में महेश आनंद के द्वारा निभाई गई भूमिका को भी टीनू आनंद ने ही आवाज दी थी। फैक्ट नंबर 12, फिल्म में रोहिणी हट्टंगड़ी ने अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया था। यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि रोहिणी वास्तविक जीवन में अमिताभ से 9 साल छोटी है। अगले कुछ सालों में रोहिणी को ऐसी ही माँ की भूमिकाएं ऑफर की गईं, जिसमें नायक उम्र में उनसे कई साल बड़े थे। धीरे धीरे वो इस प्रकार की भूमिकाओं से उकता गईं और मुकुल आनंद की सल्तनत जैसी फिल्म को ठुकरा भी दिया। हालांकि साल 1990 की फिल्म अग्निपथ में वो एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के माँ की भूमिका में नजर आई, जो कि मुकुल आनंद के काफी मिन्नतों के बाद संभव हो पाया था। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद कालिया जैसी लोकप्रिय फिल्म में काम कर चुके थे। टीनू आनंद ने कालिया फिल्म से न केवल अमिताभ बच्चन को रिपीट किया, बल्कि प्राण, मुराद, सुधीर, यूनुस परवेज, अंजन श्रीवास्तव, कादर खान और जगदीप जैसे कलाकार भी रिपीट हुए थे। फैक्ट नंबर 14, फिल्म में महाभारत फिल्म प्रवीण कुमार ने भी मुख्तार सिंह की एक दिलचस्प भूमिका निभाई थी।
यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि इनके किरदार का नाम कालिया फिल्म से ही प्रभावित था। दरअसल कालिया फिल्म के शुरू में ही अमिताभ बच्चन इस नाम के गुंडे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुख्तार सिंह को जानते हो। फैक्ट नंबर 15, टीनू आनंद की फिल्में अपनी शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी जानी जाती हैं, चाहे वो फिल्म कालिया हो, शहंशाह हो या फिर मेजर साहब हो। यहाँ यह जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि शहंशाह फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को बाद में टीनू आनंद ने अपनी साल 1996 की फिल्म मुट्ठी भर जमीन में पुनः प्रयोग किया था। फैक्ट नंबर 16, फिल्म के क्लाइमेक्स सीन के डायलॉग्स लिखने से पहले इंदरराज आनंद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा था। इधर क्लाइमेक्स सीन के शूटिंग की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, पर डायलॉग्स के बिना शूट करना बड़ा ही मुश्किल था। यहां आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस दृश्य के डायलॉग तकरीबन 23 पृष्ठों की रही थी, पर इंदरराज आनंद ने इन्हें हॉस्पिटल के बेड में ही पूरा कर दिया था। हालांकि दुख की बात यह रही कि वो इस फिल्म को देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाए और जिस दिन उन्होंने क्लाइमेक्स सीन के डायलॉग्स पूरा किए ठीक उसी दिन उनका निधन भी हो गया था। फैक्ट नंबर 17, फिल्म के कुछ जानकारों का कहना है कि फिल्म शहंशाह के गेटअप के लिए जिस कॉस्ट्यूम का प्रयोग किया गया था वो तकरीबन 28 किलोग्राम भारी था, जिसमें 14 किलोग्राम का वजन तो हाथों में पहने जाने वाले स्टील के आर्मर का ही रहा था। यहाँ यह बात कल्पना से परे हो जाती है कि एक ऐसा शख्स जो अभी अभी मैस्थेनिस ग्रेविस नामक गंभीर बीमारी से उभरा हो और उसने इतना भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनकर शूटिंग कैसे की थी। फैक्ट नंबर 18, यह फिल्म अमिताभ बच्चन के तकरीबन 2 सालों के अंतराल के बाद पहली फिल्म थी। ऐसे में उनके फैंस इसको लेकर काफी उत्साहित थे। नौबत तो यहां तक आ पहुंची थी कि फिल्म को एक दिन पहले यानी कि 11 फरवरी 1988 को ही रिलीज कर दिया गया था। इतनी दीवानगी शायद ही किसी और फिल्म स्टार के लिए देखने को मिली हो। फैक्ट नंबर 19, फिल्म के रिलीज से लगभग 2 सप्ताह पहले ही सिनेमा हॉल्स के अगले शोज के सारे टिकट्स बिक चुके थे। इस पूरी प्रक्रिया में कई टिकट ब्लैक मार्केटर्स ने लाखों का मुनाफा भी कमा लिया था। उन दिनों को याद करते हुए टीनू आनंद कहते हैं कि एक दिन मैं मुंबई पासपोर्ट ऑफिस से गुजर रहा था तो देखा कि वहां लोगों की भारी भीड़ जमी हुई है। टीनू को लगा कि लोग पासपोर्ट के आवेदन के लिए इतने भीड़ किए हुए हैं, पर उन्हें यह जानकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि पासपोर्ट ऑफिस के बगल में स्थित थिएटर में फिल्म शहंशाह के पहले शो के टिकट्स के लिए ये मारामारी हो रही है। फैक्ट नंबर 20, फिल्म को शुरू में 1987 के अक्टूबर माह में ही रिलीज किया जाना था, परंतु उस दौर के कई राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म को रिलीज को लेकर काफी विरोध जताया, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन पर बुफोर्स घोटाले में लिप्त होने के आरोप लगे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने बाला साहब ठाकरे की मदद ली और पूरे मामले को परखने के बाद जब बाला साहब को इस बात का आश्वासन हुआ कि अमिताभ बच्चन इस घोटाले में संलिप्त नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप बेधड़क फिल्म को रिलीज करो, महाराष्ट्र में इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा। इस तरह से फिल्म अगले साल 1988 में जाकर रिलीज हो पाई। फैक्ट नंबर 21, फिल्म में अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन की हीरोइन यानी कि मीनाक्षी सेसादरी की मां की भूमिका निभाई थी, पर दिलचस्प बात यहां यह है कि साल 1971 की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अरुणा अमिताभ बच्चन की हीरोइन थी। इसके अलावा फिल्म में एक और दिलचस्प बात दिखती है कि इसमें अरुणा जरूर मीनाक्षी की मां बनी नजर आती है, लेकिन मीनाक्षी के पिता का कहीं जिक्र भी नहीं होता है, ना तो जीवित रूप में और ना ही मृत रूप में। फैक्ट नंबर 22, फिल्म में सुप्रिया पाठक ने अमिताभ बच्चन की मुंह बोली बहन का किरदार निभाया था और इन दोनों पर फिल्म का बेहद ही लोकप्रिय गीत ओ बहना फिल्माया गया था। इस फिल्म के तकरीबन 17 सालों बाद दोनों एक बार फिर से साथ नजर आए राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में, पर इस बार दोनों ने भाई बहन की नहीं बल्कि पति पत्नी की भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 23, इस फिल्म में अमरीश पुरी अपने चिर परिचित अंदाज में खलनायकी करते दिखे थे। अमरीश पुरी ने इस फिल्म के लिए टीनू आनंद को बेहद ही कम टाइम लिमिट दिया था जिसमें फिल्म की शूटिंग पूरी की जाए, क्योंकि किसी अन्य फिल्म की शूटिंग के लिए वो विदेश जाने वाले थे। ऐसे में आनंद फानन में अमरीश पुरी वाले दृश्य पहले ही शूट किए गए ताकि उनके विदेश जाने पर भी फिल्म की शूटिंग शेड्यूल डिले न हो पाए। फैक्ट नंबर 24, जब फिल्म बनकर रिलीज को तैयार हो गई तो टीनू
उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मजा चखाने की सोची, क्योंकि इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शुरू में टीनू आनंद का जीना हराम कर दिया था। अपनी योजना के अनुसार टीनू ने उनसे 75 लाख पर टेरिटरी की भारी कीमत मांगी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी नागवार गुजरा। इस पर टीनू आनंद ने अपना तर्क देते हुए कहा कि इससे पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म आखिरी रास्ता 80 लाख रुपए पर टेरिटरी की कीमत पर बेची गई थी। ऐसे में 75 लाख की कीमत शहंशाह की तो बनती ही है, और मजबूरन डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह कीमत भी देनी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 25, फिल्म ने शुरू में अपेक्षा के अनुसार काफी जोरदार प्रदर्शन करते हुए शानदार कलेक्शन किया और शुरुआती कुछ हफ्तों तक कमाई के लिहाज से पहले नंबर पर भी काबिज रही। पर कुछ ही दिनों बाद अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब ने इसे पछाड़ते हुए कमाई के पहले स्थान पर कब्जा कर लिया। हालांकि तब भी शहंशाह दूसरे स्थान पर कायम रही। फैक्ट नंबर 26, फिल्म के सबसे लोकप्रिय डायलॉग रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं के बनने का किस्सा भी बड़ा ही निराला है। दरअसल फिल्म के किसी अन्य डायलॉग को लेकर टीनू आनंद और इंदरराज आनंद के बीच मतभेद हो गया। तब टीनू को समझाते हुए इंदरराज आनंद ने उनसे कहा कि तुम मुझे मत समझाओ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। इतना बोलकर वो अटक गए, क्योंकि यह तो एक ऐसा पंचलाइन था जो फिल्म के लीड एक्टर पर खूब शूट करता। इस तरह से एक अन्य डायलॉग के मतभेद ने इस प्रसिद्ध डायलॉग को जन्म दिया। फैक्ट नंबर 27, फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन मीनाक्षी के ठगी का पर्दाफाश करने के लिए पारसी का वेश धारण करते हैं, जो कि फिल्म का एक बेहद ही मजेदार दृश्य बन पड़ा है। इस दृश्य के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर एक बेहद ही मजाकिया धुन सुनाई देता है। बाद में इस धुन से प्रभावित होकर साल 1997 की फिल्म अफलातून के गीत पोस्टर लगवा दो की रचना की गई थी। फैक्ट नंबर 28, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी की हत्या एक भरे पूरे कोर्ट रूम में करते हैं, जो कि साल 1982 की हॉलीवुड फिल्म क्लास ऑफ 1984 से प्रेरित है। दरअसल ठीक ऐसा ही एक दृश्य अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के बीच साल 1983 की फिल्म अंधा कानून में भी देखने को मिला था। फिल्म शहंशाह के इस दृश्य पर उस दौर के कई असली जजों ने आपत्ति जताते हुए इसके विरुद्ध पिटीशन भी दायर किए थे, क्योंकि उनके हिसाब से यह दृश्य कोर्टरूम प्रणाली का मजाक उड़ाता है। फैक्ट नंबर 29, इस फिल्म के संगीत को सुनकर यह तनिक भी भान नहीं होता है कि इसे अमर उत्पल जैसे न्यू कमर संगीतकारों ने कंपोज किया है। भले ही दोनों की यह डेब्यू फिल्म रही थी, पर संगीत तो इनके डीएनए में शामिल था। दरअसल अमर उत्पल महान संगीतकार अनिल विश्वास के बेटे हैं। हालांकि यह भी सच है कि दोनों अपने पिता की तरह नामचीन संगीतकार नहीं बन पाए, और हमने प्यार किया, शहजादी, वक्त का बादशाह जैसी कुछ गुमनाम फिल्मों के संगीत देखकर ही रह गए। फैक्ट नंबर 13, फिल्म शहंशाह के लिए अमिताभ बच्चन को साल 1989 में आयोजित 34वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन तो अवश्य मिला, पर यह अवार्ड फिल्म तेजाब के लिए अनिल कपूर को हासिल हुआ था। तो ये थी साल 1988 की अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी सेसादरी की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म शहंशाह पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।